Good evening friends welcome to an gate mepi XE. this is your educator apru prau and you are watching the lecture series of machine design this is lecture number 25 design of gear part 2 this is the end of the chapter design of gear this is the second last chapter this is the second last chapter of the machine design beta tomorrow we will have the last class of machine design and that will be spring

तो इसीलिए वट एवर वी हैव कवर्ड सो फार दैट इज ओनली इन योर सिलेबस यू ओनली नीड टू फोकस ऑन दैट और वो चीजें मैंने बहुत अच्छे से कराई है वॉट एवर इज इन योर सिलेबस दैट इज कंप्लीटेड वेरी क्लियरली दैट इज एक्सप्लेन वेरी क्लियरली वी हैव सोल्ड सो मेनी न्यूमेरिकल्स वी हैव सोल्ड पी वाई क्यूज सो बेटा जस्ट फोकस ऑन वॉट आई हैव टॉट जो मैंने पढ़ाया है बस उसके ऊपर फोकस करो बस वो कवर कर लो एंड योर मशीन डिजाइन विल बी कंप्लीटेड बेटा एंड आई कैन गारंटी दैट इज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन इन द सिलेबस ऑफ गेट दैट यू कांट सॉल्व ठीक है ये मेरी गारंटी है गुड इवनिंग जितेंद्र गुड इवनिंग अंकिता गुड इवनिंग विकी दो मी फॉर द फर्स्ट टाइम लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ माई नेम इज अप्रूव राव ऑल इंडिया रैंक थ्री ट्वेंटी इन गेट मैकेनिकल आई डन माई एम टेक फ्रॉम आई आई टी खड़गपुर एंड माई स्पेशलाइजेशन फॉर एम टेक वॉज मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन In my final year of M.Tech, I was recruited by Mahindra and Mahindra. And I was placed at Mahindra Research Valley, which is the research and development center of Mahindra, where the cars and tractors of Mahindra are designed. I worked there as deputy manager for two years in the field of design. Then I quit my job because I always wanted to teach. So I have been teaching for more than six years now. And I teach subjects related to design, strength of material, machine design, engineering mechanics, theory of machine. Why the subjects of design? Because my M.Tech is in design, my work experience is in design. That's why I chose the subjects of design. And if you are following my lectures, I can guarantee that you will fall in love with these subjects. If you want to watch the lectures of all these subjects at one place, you don't need to go anywhere else. You just need to go to this link you just need to have this link tinyurl.com/approve10 open your web browser right now any web browser and in the web, in the address bar just type tinyurl.com/approve10 just like you open facebook.com or youtube.com open tinyurl.com/approve10 and you will open this awesome page where you can find excel sheets for every subject हर सब्जेक्ट जो मैंने पढ़ाया है डिजाइन का यू विल फाइंड एन एक्सेल शीट फॉर दैट सब्जेक्ट इफ यू ओपन दैट एक्सेल शीट यू विल फाइंड दैट आई हैव अपलोडेड द लिंक्स ऑफ ऑल माई लेक्चर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मशीन डिजाइन थ्योरी ऑफ मशीन आई हैव कवर्ड ऑल ऑल बेटा यू विल फाइंड द लिंक्स ऑफ द क्लासेस कंप्लीट सिलेबस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट द एंटायर कंटेंट इन दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीबडी कैन वॉच सो बेटा दिस इज माय स्मॉल गिफ्ट टू यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यू हैव शोन टिल नाउ आप लोगों ने जितना प्यार और जितना सहयोग दिया है अभी तक उसके बदले में ये एक मेरी छोटी सी भेंट है जितना मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूं तो so, बेटा बच्चों को प्रॉब्लम होती थी स्टूडेंट यूज टू फेस अ लिटिल प्रॉब्लम दैट दे कुड नॉट दे कुड नॉट सर्च द प्ले लिस्ट दे कुड नॉट फाइंड द लिंक्स सो दैट्स वाई आई हैव मेड दिस पर्सनली एंड आई अपडेट ऑल दीज एक्सेल शीट्स पर्सनली सो so दैट बेटा यू कैन वॉच ऑल द लेक्चर एट वन प्लेस विदाउट सर्चिंग विदाउट गोइंग हियर एंड देयर इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं है सारी चीजें बेटा एक जगह मिल जाती है सारी चीजें एक जगह मिल जाते हैं ओके एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो माई अन अकेडमी प्रोफाइल बाय गोइंग टू दिस लिंक अन अकेडमी डॉट कॉम स्लैश एट द रेट अप्रूव इफ यू गो टू दिस लिंक यू विल फाइंड माई प्रोफाइल ऑन अन अकेडमी यू कैन वॉच ऑल माई फ्री स्पेशल क्लासेस At one place, my special classes. Special classes are completely free, so you can watch all these classes, beta, at one place. Okay, you can see I have solved PYQs of all the subjects of design. So you will find all of this at one place. And apart from this, you can also watch some other special classes of other educators. You can watch the other special classes also. You can take part. In Unacademy Combat, which is the India's biggest quiz competition, okay, on Unacademy completely free. You can watch the Unacademy, you can take the Unacademy mock test series completely free. So if you want to watch the special classes, if you want to take part in an academy combat, all you need to do is download the Unacademy Learning app, register yourself, and use the code approved 10 When you are downloading the Unacademy Learning app for the first time, then you will have to use an invite code. After using this code, Beta, all the special classes of all the educators will be opened. And you can also take part in an Academy, an academy mock test series, an Academy combat. All these free plans will be opened for you. So don't forget to use this code, Approve 10 in order to unlock the special classes and the free plans. Okay. And, Beta, a very important news.

अकेडमी फ्री स्पेशल क्लास अन अकेडमी फ्री स्पेशल क्लास ओके एंड बेटा डोंट फॉरगेट दैट डे आफ्टर टूमोर द लास्ट डे ऑफ इस्ट डिस है ऑन दिस यूट्यूब चैनल ओनली इसी यूट्यूब चैनल पर बेटा कंप्लीट रिविजन ऑफ मशीन डिजाइन टुमोरो विल बी द लास्ट क्लास ऑफ मशीन डिजाइन टुमोरो विल बी the last class of machine design and day after tomorrow we will have complete revision of machine design and the pdf of this will be used as short notes of machine design iski pdf jo banegi who have short notes safe because i will cover all the important formula we will solve one two examples of each formula we will see all the important concept so beta it will be very precise and in eight hours we will complete the entire syllabus okay सो डोंट फॉरगेट टू ट्यून लाइव एट नाइन ए एम ऑन दिस वेरी चैनल बेटा इस यूट्यूब चैनल पे सुबह नौ बजे इकतीस तारीख को नहा धो के मेरे साथ बैठ जाना ताकि हम पूरा मशीन डिजाइन एक क्लास में खत्म कर सके उसके बाद आपको मशीन डिजाइन सीधे गेट के एक दिन पहले रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी मेरी गारंटी है बीच में आपको मशीन डिजाइन दोबारा खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी गेट के एक दिन पहले वो शॉर्ट नोट्स खोलना और एक बार देख लेना सब कुछ अपने आप दिमाग में फिट हाँ बेटा a very important news yesterday 28th of december 28th of december new batch started on unacademy plus for gate 22 and 23 so you still have chance but you have not missed a lot तो अगर आप 22 या 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन ऑसम awesome बैचेस में ज्वाइन करना मत भूलें वाई बिकॉज ओनली द टॉप लेजेंडरी टीचर्स ऑफ अन अकेडमी प्लस आर टीचिंग इन दिस बैचेस ओके इट ओनली स्टार्टेड यस्टरडे यू स्टिल हैव टाइम इफ यू वॉन्ट टू सी ओके एंड इफ यू वॉन्ट टू टेक अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ऑल यू नीड टू डू इज गो टू एन अकेडमी लर्निंग एप एंड चूज योर सब्सक्रिप्शन प्लान वन मंथ से लेके टू ईयर तक का प्लान है बट आई विल सजेस्ट यू टेक वन ईयर वन एंड हाफ ईयर और टू ईयर प्लान ंड यू कैन ऑल्सो यूज दिस कोड इन ऑर्डर यू गेट टेन परसेंट ऑफ एंड इफ यू यूज दिस कोड बेटा वेन एवर यू यूज दिस कोड आई विल ऑल्सो गेट द नोटिफिकेशन एंड बेटा यू विल बी माई नंबर वन प्रायरिटी इफ यू आर शोइंग फेथ इन मी आई विल शो फेथ इन यू एंड बेटा थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आई विल भी देयर फॉर यू ओके यू कैन ऑल्सो टेक एन अकेडमी आइकोनिक सब्सक्रिप्शन यूज इंग माई कोड अप्रूव टेन ओके चलो लेक्चर चालू करते हैं बेटा तो पहले तो जो कल हमने पढ़ा था उसका एक क्विक रिविजन कर लेते हैं सो यस्टुडे वी सॉ वॉट इज अ गियर So, gear is actually a power transmission device which is used to transfer power from one shaft to another shaft. Okay. We have other power devices also. Chain drive, bell drive, gear drive is the most efficient one. The velocity ratio in gear drive is constant. Okay. Then we saw different types of gear. We saw spur gear, which is used to connect parallel shafts. We saw helical gear also used to connect parallel shafts, but in case of spur gear, teeth are parallel to excess.

then we saw meter gear which are nothing but equal bevel gears at 90 degree then we saw warm gear which is used to have a very high velocity ratio 50 ratio 1, 100 ratio 1 then we saw rack and pinion which is used to convert rotational motion into translation motion so all of these are different types of gear but beta out of all these gears in our syllabus we only need to see the design of स्पर गियर हमको सिर्फ स्पर गियर का डिजाइन समझना है हमको सिर्फ गियर का डिजाइन देखना है ओके देन बेटा वी सॉ द टर्मिनोलॉजी ऑफ स्पर गियर वी सॉ डिफरेंट पैरामीटर ऑफ स्पर गियर आई टोल्ड यू वट इज पिच सर्कल वट इज अडेंडम वॉट इज डिडेंडम वट इज फ्लैंक व्हाट इज फेस ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली थी पिच सर्कल इज वॉट बेटा वेन एवर वी शो द गियर्स वी यूज सर्कल्स राइट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ गियर्स वी यूज टू सर्कल्स विच आर रोलिंग ओवर इच अदर विदाउट स्लिपिंग हम अज्यूम करते हैं कि गियर्स जो हैं दो सर्कल की तरह हैं जो एक दूसरे के ऊपर रोल कर रहे हैं विदाउट स्लिपिंग एंड दीज सर्कल्स आर ऑफ पिच सर्कल्स ओके देन वी पिच सर्कल डायमीटर इज नथिंग बट डायमीटर ऑफ द पिच सर्कल एंड पिच पॉइंट इज द पॉइंट वेयर बोथ दिच सर्कल्स आर टचिंग टूगेदर ओके देन मीस ऑफ सर्कुलर पिच पी सी विच इज गिवन बाय pi d by t, pi d by t where d is the diameter, pitch circle diameter, tr number of teeth. Then we saw diametral pitch which is nothing but the ratio of number of teeth and pitch circle diameter and then we saw module which is the inverse of diametral pitch, d by t. Okay. And in order to have contact between two gears, all these three must be equal, pc, Pd and m must be equal. Okay. Then I told you what is pressure angle. What is pressure angle beta? Pressure angle is the angle drawn between the common tangent and the common normal. Common normal can also be called as line of action of the force. Common normal is nothing but line of action of the force between the gears. Okay. The force between the gears act along this line like this okay so better the angle between common normal and common tangent is alpha and the usual value of alpha is 20 degree and 25 degree right the standard values of alpha okay and i also told you the explanation behind this the logic behind using the standard value okay the logic behind using the standard value sir for mechanics when will be a marathon class Mere bhai, Ankir,

द बिगर वन इज नोन एज गियर एंड पिनियन किसको बोलते हैं बेटा द स्मॉलर वन इज नोन एज पिनियन ओके जो बड़ा है उसको हम गियर बोलेंगे मीन्स आउट ऑफ दीज टू दिस विल बी द गियर एंड दिस विल बी द पिनियन ठीक है तो बेटा नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर एंड नंबर ऑफ टीथ ऑफ पिनियन इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलेंगे गियर रेशियो वी विल डिफाइन वी विल डिनोट जी तो कैपिटल टी बाय स्मॉल टी दिस विल बी The gear ratio, okay, and velocity ratio is the ratio of angular velocity of the follower and the driving gear. Okay, so means velocity ratio can be written as omega two by omega one, ya n two by n one. Okay, n two by n one likelo, ya omega two by omega one likelo, it is one and the same thing. Okay. सो बेटा दीज टू रेशियोज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट गियर रेशियो एंड वेलॉसिटी रेशियो ऑल दो इट विल नॉट बी यूज इन मशीन डिजाइन बट इन थ्योरी ऑफ मशीन इट इज यूज ठीक है थ्योरी ऑफ मशीन में ये बहुत यूज किया गया है ओके नेक्स्ट फोर्स एनालिसिस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मशीन मशीन डिजाइन डिजाइन में स्पर गियर में दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फोर्स एनालिसिस ओके सो लेट्स अंडरस्टैंड वॉट इज फोर्स एनालिसिस सो इन केस ऑफ स्पर गियर्स वोर्सेस आर डेवलप्ड बिटवीन द गियर्स How to find their magnitude, how to find their direction? That is force analysis. So, we will assume that we have two gears in contact with each other. Okay, in contact with each other. This is gear number one. It is rotating like this. So, this is gear number two. It will rotate like this. Okay. This one is let's say the driving gear okay it is not necessary that the bigger one is driving the smaller one is driven it is not necessary but let's assume that this is the driving gear and this is the driven or follower gear okay driving gear follower gear okay now Vita first of all we will discuss about the direction of the forces then we will discuss about then we will discuss about the

एंड दिस इज द टेंजेंट द रिजल्टेंट फोर्स एक्ट इन दिस डायरेक्शन जो रिजल्टेंट फोर्स है वह ऐसा लगेगा ओके इट इज इट विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन नाउ दैट रिजल्टेंट फोर्स विल हैव टू कॉम्पोनेंट्स ओके जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसके दो कॉम्पोनेंट होंगे अब यह दो कॉम्पोनेंट हम कैसे देखेंगे यह देखना है ओके So, because the resultant force will be acting along this, like this. Let me call this F. Okay, this is what? This is the resultant force. Now, I can resolve this force into two components. Okay. So, let me draw these circles separately. Let's isolate them. तब उनके बीच के डायरेक्शन का आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा ओके लेट्स आइसोलेट देम दैम दिस इज गियर नंबर वन दिस इज द सेंटर ऑफ द गियर दिस इज गियर नंबर टू दिस इज द सेंटर ऑफ द गियर ओके नाउ बेटा दिस गियर इज अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस गियर इन दिस डायरेक्शन एंड दिस गियर इज अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस गियर इन दिस डायरेक्शन ओके नाउ दिस फोर्स एफ विल हैव टू कॉम्पोनेंट ओके सो लेट्स रिजोल्व दिस टू कॉम्पोनेंट वन कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स इज अलोंग द फ्रॉम पिच पॉइंट पिच पॉइंट से अलोंग द सेंटर ऑफ द सर्कल ठीक है लेट से इसको मैं बोलूंगा ओ वन इसको मैं बोलूंगा ओ टू दिस इज पॉइंट पी ठीक है यह कौन सा पॉइंट है मेरे भाई दिस इज द पिच पॉइंट पॉइंट पी दिस इज द पिच पॉइंट पॉइंट पी तो बेटा सबसे पहला फोर्स जो होगा उसका डायरेक्शन लेना बहुत आसान है ओके द डायरेक्शन Taking direction is very simple, beta. From point P towards the center of rotation, okay, from point P towards the center of rotation, this force is known as the normal force. This force from point P towards the center of rotation will be known as the normal force. ये कौन सा फोर्स है मेरे भाई दिस इज द नॉर्मल फोर्स दिस विल बी कॉल्ड एस एफ एन एफ एन ओके नॉर्मल फोर्स नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन देखना बहुत आसान है फ्रॉम पिच पॉइंट टूवर्ड्स द सेंटर फ्रॉम पिच पॉइंट टूवर्ड्स द सेंटर अगर गियर एक दूसरे को वर्टिकली टच कर रहे हैं देन पिच पॉइंट से टूवर्ड्स द नॉर्मल सो बेटा एफ एन का डायरेक्शन इज वेरी सिंपल

डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ओके नाउ अंडरस्टैंड बेटा इफ यू सी द फॉलोअर गियर द फॉलोअर गियर इज रोटेटिंग ड्यू टू वॉट द फॉलोअर गियर इज रोटेटिंग ड्यू टू द फोर्स अफ्लाइट बाय द ड्राइविंग गियर ड्राइविंग गियर इज अप्लाइंग फोर्स ऑन फॉलोअर हेम्स द फॉलोअर इज रोटेटिंग दैट इज क्लियर टू एवरी वन राइट फॉलोअर क्यों घूम रहा है क्योंकि ड्राइविंग गियर फॉलोअर के ऊपर फोर्स लगा रहा है नाउ फॉलोअर गियर इज रोटेटिंग ड्यू टू विच फोर्स देर आर टू फोर्सेस नॉर्मल फोर्स टेंजेंशियल फोर्स कैन नॉर्मल फोर्स रोटेट द गियर लाइक दिस नो बिकॉज नॉर्मल फोर्स इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ रोटेशन इट कैन नॉट अप्लाई मोमेंट इट कैन नॉट अप्लाई टॉर्क नॉर्मल फोर्स जो है वो सेंटर ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है तो ये तो टॉर्क लगा नहीं सकता तो बेटा विच फोर्स विल अप्लाई टॉर्क The tangential force. So, beta, if it is rotating in anti clockwise direction, then beta, it is clear that the tangential force will be like this. Then only it will rotate the gear like this. Again, if I apply tangential force upward, then it will rotate clockwise. It is rotating anti clockwise, means tangential force must be acting like this. Right? So, this is clear to everyone. वट इज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल फ्यूअर फोर्स दैट इज क्लियर टू एवरीवन टेंजेंशियल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा बेटा फॉलोअर गियर में फॉलोअर गियर में दिस इज फॉलोअर गियर ओके दिस इज फॉलोअर एंड दिस इज ड्राइविंग गियर तो फॉलोअर में एफ टी विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन नाउ इफ एफ टी इज एक्टिंग लाइक दिस ऑन दिस गियर देन ऑन दिस गियर इट विल बी ऑपोजिट ऑन दिस गियर इट विल बी ऑपोजिट लाइक दिस

एफ टी इज द कॉज ऑफ मोशन द गियर इज रोटेटिंग ड्यू टू एफ टी हियर एफ टी इज नॉट द कॉज ऑफ मोशन हियर एफ टी इज नॉट द कॉज ऑफ मोशन इन ड्राइविंग गियर एफ टी इज नॉट दोशन गियर इज रोटेटिंग बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल पावर ड्राइविंग गियर को कौन घुमा रहा है ड्राइविंग गियर इज कनेक्टेड टू द इंजन लेट्स सेवर बट दिस इज रोटेटिंग ड्यू टू एफ टी ओनली सो हियर एफ टी इज द कॉज ऑफ मोशन बट एफ टी इज अपोजिंग द मोशन एफ टी यहां मोशन को अपोज कर रहा है ठीक है बेटा ये गियर इसको घुमा रहा है और ये घूमने से रोक रहा है तो बेटा दिस इज कॉजिंग द मोशन एंड दिस इज अपोजिंग द मोशन ओके सो दैट्स फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ एफ टी विल लॉजिक इन ड्राइविंग एंड फॉलोअर एफ एन का डायरेक्शन वेरी सिंपल टूअर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन बट एफ टी विल बी

इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है मेरे भाई इन दोनों का रिजल्टेंट इज एफ रिजल्टेंट भी बना देता हूं मैं सो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स ओके दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स ओके ओके द रिजल्टेंट फोर्स विल मेक हाउ मच एंगल विथ एफ टी टेंजेंशियल फोर्स के साथ ये कितना बनाएगा एंगल अल्फा 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 ओके नाउ बेटा आई हैव टोल्ड यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस क्लियर है सो नाउ वी विल सी हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, ओके सो बेटा फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल फोर्स पहले टेंजेंशियल फोर्स एफ टी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे

can i calculate the value of ft yes i can calculate the value of ft okay so how i will find ft beta understand ft will be equal to torque multiply divided by radius see torque can be calculated like this torque ko i will

है कि नहीं तो एफ टी को मैं क्या लिख सकता हूं एफ टी को मैं क्या लिख सकता हूं कैन आई राइट एफ टी एस टू इन टू एम टी बाई डी यस आई कैन राइट नाउ बेटा अंडरस्टैंड देर आर टू गियर्स बोथ हैव बोथ हैव इक्वल टॉर्क सॉरी इक्वल एफ टी बोथ हैव इक्वल एफ टी बट डिफरेंट टॉर्क दोनों में एफ टी की वैल्यू सेम है बट टॉर्क अलग अलग है सो इफ यू आर यूजिंग द टॉर्क ऑफ फर्स्ट गियर डायामी ऑफ फर्स्ट गियर एंड इफ यू आर यूजिंग द टॉर्क ऑफ सेकेंड गियर यूज द डायामी ऑफ सेकेंड गियर तो मेरे भाई इफ यू नो द टॉर्क एंड डायामी ऑफ एनी वन गियर आउट ऑफ दीज टू इफ यू नो द टॉर्क एंड डायामी ऑफ एनी वन गियर देन यू कैन ईजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल फोर्स टेंजेंशियल फोर्स निकालने के लिए आपको दोनों में से किसी भी एक का टॉर्क और डायामीटर पता होना चाहिए यू ईदर नीड टू नो द इनपुट टॉर्क और यू नीड टू नो द आउटपुट टॉर्क जिसका टॉर्क पता है उसी के डायामीटर से उसका एफ टी सॉरी उसी के डायामीटर से हम एफ टी निकाल लेंगे ओके सो डू यू अंडरस्टैंड डू यू अंडरस्टैंड यस सो बेटा ड्राइविंग गियर एंड फॉलोअर गियर यू कैन यूज द टॉर्क एंड डायमी ऑफ एनी वन गियर इन ऑर्डर टू फाइंड एफ टी So, Ft is calculated. Now, we need to calculate the normal force, Fn. Now, in order to find Fn, what am I going to use? In order to find Fn, I am going to use this diagram. So, this is the resultant. Okay. This is the resultant. Of FT and FN, right? Now complete this diagram. So this is FN, this is FT, okay, and this angle. is अल्फा right so beta what is the relation between fn and ft What is the relation? Can I write tan alpha? Can I write tan alpha? अरे यार एक तो ये जादुई बन जाता है बीच में अक्षर गायब हो जाते हैं फिर अपने आप प्रकट हो जाते हैं दिमाग खराब हो जाता है टेन अल्फा इक्वल टू एफ एन डिवाइडेड बाई एफ टी कैन आई राइट इट एफ एन डिवाइडेड बाय Ft, can I write it? So from here, what will be Fn? Fn will be equals to Ft into 10 alpha. Can I write it? Yes. So this is the relation between Fn and Ft. So if you know Ft and if you know alpha, you can also calculate Fn. Ek bar Ft nikal yeah then using the pressure angle alpha, कैन ऑल्सो कैल्कुलेट एफ एन एफ एन विल बीवल टू एफ टी इन टू टेन अल्पाटा फ्रॉम दीज टू इक्वेशन आई कैन एफ टी आई कैन फाइंड एफ एन ओके इन एग्जाम एग्जाम में आपको फोर्स एनालिसिस के ऊपर काफी सिंपल एक मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं दो मार्क का क्वेश्चन तो इससे बनता नहीं है ओके सो लेट्स सोल्व वन क्वेश्चन ऑन फोर्स एनालिसिसरी वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन ओके इस एक क्वेश्चन से आपको पूरा फोर्स एनालिसिस क्लियर हो जाएगा ओके फ्रॉम दिस सिंगल क्वेश्चन एंटायर फोर्स एनालिस हंड्रेड आरपीएम थ्रू इट्स शाफ्ट एंड रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओके दिस इज द इनपुट गियर गियर बी इज द आइडलर गियर वट इज आइडलर गर सी

You can directly use the number of teeth on input and output gear. The number of teeth of this gear does not affect the gear ratio or velocity ratio. That's why it is known as idler gear. Okay? Iska bas, iska bas yehi kaam hai. Idler gear has two objectives: either if the center distance between the input and output gear, then it is used, or if you want to change the direction of rotation, then it is used. For example, input gear is rotating clockwise. If I want output gear.

and second if you, you want to change the direction of rotation okay now number of teeth on a b and c are given while the module is 5 mm find the resultant reaction at the bearing of gear of shaft of gear b is shaft ke bearing pe yani ki support bearing is nothing but support is support pe i need to find the reactions okay

बेटा गियर बिल बी टॉर्क इट इज गिविंग टू सी इज देर एनी टॉर्क लॉस कोई टॉर्क का लॉस हो रहा है जितना टॉर्क ये ए से ले रहा है उतना ही टॉर्क ये सी को दे दे रहा है सो वॉट एवर फोर्स दिस ए इज अप्लाइंग ऑन बी द बी विल अप्लाई सेम फोर्स ऑन सी राइट

गियर ए का पावर और आरपीएम है तो किसका टॉर्क निकलेगा गियर ए का टॉर्क निकलेगा ओके तो बेटा पावर इक्वल टू पावर इक्वल टू टू पाई एन टी बाई सो इट विलोवॉट इक्वल टू टू पाई इन टू सेवन हंड्रेड इंटू एम टी ऑफ ए डिवाइडेड बाई सिक्सटी सो फ्रॉम आई विल एम टी ऑफ ए एम टी ऑफ ए कितना आ रहा है लेट मी ब्रिंग माई कैलक्युलेटर माइक निकल गया है लेट मी पुट इट बैक okay so beta what will be the torque of a 3.5 into 10 to the power 3 into 60 divided by 2 pi n so it is 47.75 newton meter almost 47.75 newton meter okay this is the torque on a

Can I find the FT of between AB and BC? FT will be what? 2MT of A divided by D of A. Okay. So 2 into 47.75 Newton meter divided by diameter should also be in meter. So it will be 0.15. So FT of A is how much? FT of A is how much?

प्रेशर एंगल अल्फा इज नॉट गिवन आई थिंक ये नहीं है सो लेट मी अज्यूम इट अल्फा इक्वल्स टू इक्वल डिग्री ओके सॉरी आई फॉरगॉट टू गिव द प्रेशर एंगल इट शुड बी गिवन इट शुड बी गिवन ओके यू डोंट नीड टू अज्यूम इफ दिस इज अ क्वेश्चन इन एग्जाम इट विल बी गिवन वेरी गुड सत्यम वेरी गुड आयुष वेरी गुड उत्कर्ष जितेंद्र कल्पेश अंकिता वेरी गुड वेरी गुड सिक्स थर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन ट्वेंटी सो इट विल बी टू थर्टी वन पॉइंट सेवन थ्री टू थर्टी वन पॉइंट सेवन थ्री न्यूटन टू थर्टी वन पॉइंट सेवन थ्री न्यूटन यस, तो और एफ एन की वैल्यू आ गई ओके, नाउ आई नीड टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ गियर बी अब मैं गियर बी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा नाव आई विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ गियर बी सो बेटा गियर बी

So, सबसे पहले ए और बी के बीच में देखते हैं तो ए एस विल बी एफ एन दिस विल बी एफ एन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन और बी और सी के बीच में दिस विल बी एफ एन सेम एफ एन एफ एन वही होगा मेरे भाई एफ एन वही होगा ओके okay. एंड वट एंगल दे आर मेकिंग फोर्टी फाइव डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री राइट नाउ बेटा देर विल बी टेंजेंशियल फोर्स ऑल्सो परपेंडिकुलर टू एफ एन अब टेंजेंशियल फोर्स का डायरेक्शन ध्यान से देखना अब टेंजेंशियल फोर्स का डायरेक्शन ध्यान से देखना बेटा इफ यू कंसिडर एंड बी दिस इज गियर बी है ना इफ यू कंसिडर ए एंड बी एर बी को कंसिडर करो तो ए इज द ड्राइविंग गियर एंड बी इज द फॉलोअर इफ यू कंसिडर ए एंड बी देन बी इज द फॉलोअर एर बी के बीच में अगर देखेंगे तो बी फॉलोअर है सो so, बेटा इफ बी इज फॉलोवर बिटवीन ए एंड बी देन द ए बी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन तो मेरे भाई एफ टी विल बी लाइक दिस ओनली राइट टेंजेंशियल दिस विल बी एफ टी नाइनटी डिग्री टू एफ एन है ना नाइंटी डिग्री टू एफ एन एंड बिटवीन बी एंड सी बिट्वीन बी एंड सी एफ टी विल बी ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन वाई बिकॉज बिटवीन बी एंड सी बी इज द ड्राइविंग गियर ए और बी के बीच में बी इज द फॉलोअर बी और सी के बीच में बी इज द ड्राइविंग तो बेटा बिटवीन बी एंड सी एफ टी विल बी ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन सो इट इज रोटेटिंग एंटी क्लॉक वाइज तो एफ टी विल बी क्लॉक वाइज तो इट विल बी लाइक दिस ओनली इट विल बी लाइक दिस ओनली परपेंडिकुलर टू एफ एन इसको थोड़ा सा घुमा देता हूं मैं लाइक दिस ओके सो दिस इज वॉट दिस इज वॉट एफ टी ओके अब मेरे भाई द रिएक्शन एट द हिंस

नाउ बेटा इट विल इजी फॉर मी टू कैलकुलेट आर एक्स एंड तो मेरे भाईरिंग बियरिंग में रिएक्शन कुछ ऐसे आ रहे हैं यू कैन अज्यूम बियरिंग लाइक अके तो नाव बेटा वॉट विल बी आर एक्स आर एक्स विल बीवल टू एफ टी प्लसो इक्वल टू एफ टी प्लस एफ एन आर एक्स विल बी इक्वल टू एफ टी प्लस एफ एन और एफ टी प्लस एफ एन कितना हो जाएगा मेरे भाई कैलकुलेट एफ टी प्लस एफ एन सो इट विल बी सिक्स थर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन प्लस टू थर्टी वन पॉइंट सेवन इट इज एट इट इज एट एंड आर वाई विल ऑल्सो बी एफ टी प्लस एफ एन है ना

रिजल्टेंट फोर्स बिट्वीन सॉरी दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बियरिंग यस वेरी गुड दि ब्यांशु जितेंद्र वेरी गुड कल्पेश यह क्या है मेरे भाई यह क्या आ गया मेरे भाई दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बियरिंग ऑफ शाफ्ट शाफ्ट की बियरिंग पे यानी सपोर्ट पे इतना रिजल्टेंट फोर्स आ रहा होगा ओके इतना रिजल्टेंट फोर्स आ रहा होगा सो डू यू अंडरस्टैंड इन दिस सिंगल क्वेश्चन

अरे बेटा सबके सब, सब लाइक ठोक दो यार एक लाइक तो दे दो सबके सब पचास के पार तो ले जाओ जल्दी जल्दी यस yes. सो so, बेटा डू यू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द फोर्सेस नाउ वंस यू फाइंड द फोर्सेस द नेक्स्ट थिंग यू नीड टू फाइंड इज द स्ट्रेस ओके नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज फ्रॉम दिस ओनली यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन इज द बीम स्ट्रेंथ दिस इज द बीम दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ गियर बेटा यू कैन से दैट फ्रॉम गियर यू कैन अज्यूम क्वेश्चन ओनली फ्रॉम दिस टॉपिक गियर से सिर्फ इसी टॉपिक से आप क्वेश्चन अज्यूम कर सकते हैं ठीक है गियर से इसी टॉपिक से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट uh, uh, कर सकते हैं बीम स्ट्रेंथ विच इज ऑल्सो नोन एज लुइस इक्वेशन अब बीम स्ट्रेंथ होता क्या है यह डिस्कस कर लेते हैं ओके सो बेटा बीम स्ट्रें ऑफ द टीथ ऑफ गियर Beam strength of the teeth of gear is the maximum value of FT tangential force that the teeth can sustain without. फेलियर अंडरस्टैंड बेटा द टीथ ऑफ गियर कैन बी कंसिडर्ड एज अंटीलिवर बीम कैन यू सी दैट वन सिंगल टीथ गियर कैन बी कंसिडर्ड एज कैंटीलिवर बीम आप इस टीथ को इस तरीके से देख सकते हो मेरे भाई ओके दिस टीथ एज फिक्स एट द बेस ओके बेस पे ऐसा फिक्स है और इसके ऊपर एफ टी जो है वो कुछ ऐसा लग रहा है सो इट इज जस्ट लाइक अ कैंटीलिवर बीम ओके यहां मैंने पीटी से डिनोट कर दिया है लेट मी मेक इट एफ टी ओके सो इट इज जस्ट लाइक अ बीम कैंटिलीवर बीम ओके सो बेटा एफ टी की इफ आई कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम दिस अजम्पन इफ आई कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ टी दैट द टीथ ऑफ गियर इज लाइक अ कैंटिलीवर बीम इफ आई कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ टी द बीम स्ट्रेंथ बिकॉज इफ यू अप्लाय मोर देन दिस देन द टीथ विन बेंडिंग लेट से एफ टी ऑफ अ गियर इज थाउजेंड न्यूटन स्ट्रेंथ ऑफ अ गियर इज न्यूटन मतलब कि फ्रॉम जीरो न्यूटन टू थाउजेंड न्यूटन यू कैन अप्लाई द फोर्स ऑन गियर विदाउट फेलियर बट इफ यू अप्लाई मोर देन देन द टीथ ऑफ गियर विल फेल इन बेंडिंग ये बेंड होके फेल हो जाएंगे ओके ना बेटा why this is important understand why we are using gears we are using gears in order to transfer torque from one shaft to another shaft we need to transfer torque okay now the torque transfer will take place due to ft only because normal force will not transfer torque tangential force will transfer torque so beta torque transfer depends upon ft so whatever maximum value of ft is

the criteria of gear design will be the torque transfer right how much torque you need to transfer and that torque transfer will depend upon ft so beam strength will become the criteria of design okay so beta understand how we will find the equation of ft so in order to find the equation of ft we need to make certain assumptions without these assumptions we cannot find ft so beta how we will find the equation of ft understand

due to ft which stress will be developed bending stress and due to fn which stress will be developed axial stress compressive axial stress right fn is directly acting on the teeth it will be compressive stress right so beta we will only consider the stress due to ft we will not consider the stress due to fn okay this is this will be our first assumption second assumption only one pair of teeth are in contact. Understand? Beta, when the two gears will mesh, then beta, if there are only one teeth of gear in contact, then the entire torque transfer will take place between these teeth only. Means the entire force will be between these teeth only. टॉक ट्रांसफर इज ड्यू टू बोथ दीस टीथ सो दिल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दीस टीथ अगर दो टीथ मिल के टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं तो दोनों मिल केन करेंगे मतलब एफ टी जो है वो डिवाइड हो जाएगा दोनों टीथ में एफ टी विलड इन टीथ डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ टीथ बट बेटा डू यू नो हाउ मेनी टीथ आर इन कॉन्टेक्ट बिकॉज इट इज नॉट एक्जैक्टली टू इट विल बी 1. something समथिंग एंड दैट वैल्यू वी डोंट नो एंड ईवन इफ वी नो वी कांट यूज दैट कैन यू डिवाइड द फोर्स बिटवीन वन पॉइंट सेवन के बीच में आप फोर्स डिवाइड कर पाएंगे नहीं सो बेटा इन ऑर्डर टू सिंपलीफाई वी विल अज्यूम दैट ओनली वन पेयर ऑफ टीथ आर इन कॉन्टैक्ट नाउ बेटा वॉट विल है वेरी कंजर्वेटिव अजम्पन ईयर आई एम कंसिडरिंग अ वेरी कंजर्वेटिव क्राइटेरिया बेटा इफ देर आर टू टीथ इन कॉन्टैक्ट देन बेटा वट एवर वैल्यू आई एम गेटिंग फ्रॉम यूर आई विल बी सेफ आई विल बी इवन सेफ अगर दो टीथ मिल के फोर्स उठा रहे हैं तब तो और अच्छा है बट वर्स कंडीशन क्या हो सकती है वर्स कंडीशन विल बी दैट देर आर ओनली वन पेयर ऑफ टीथ इन कॉन्टैक्ट एंड आई एम कंसिडरिंग द वर्स कंडीशन ओके मैं वर्स कंडीशन मान के वर्स कंडीशन मान के डिजाइन कर रहा हूं सो माई डिजाइन विल ऑलवेज बी सेफर आई टोल्ड यू ना वेवर यू डिजाइन

The third assumption is that Ft is a static load. Now, what is this assumption? Gears are moving. So, when one gear will apply force on the other gear, it will not be a static force, it will be an impact force. What is impact force and static force? Static force means the force is not moving for example let's say this body is kept on this body so the weight of this body is a static force but let's say i drop this body on top of this body then when it will hit this body that same weight will become impact force okay so impact force means the force is applied with some velocity let's hammer something with a hammer if you go hammers at ho then that force will be an impact force okay तो so, बेटा दिस फोर्स बिटवीन द इज एन इंपैक्ट फोर्स बट वी विल अज्यूम दैट इट इज अ स्टैटिक फोर्स ओके सो बेटा स्ट्रेंथ आई विल गेट एक्चुअल स्ट्रेंथ विल बी लेस जो भी स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ मैं निकालूंगा एक्चुअल जो होगी वो उससे कम होगी अगर मैं FT को स्टैटिक मान के स्ट्रेंथ निकाल रहा हूं हजार न्यूटन तो एक्चुअल स्ट्रेंथ हजार से कम होनी चाहिए क्योंकि ये इंपैक्ट फोर्स होगा ओके okay? सो so, बेटा आई होप दीज अजम्पन आर क्लियर टू यू ये यूजन क्लियर है ओके okay? नाउ बेटा वी विल

एम इंटू वाई मैक्सिम डिवाइडेड बाई आई राइटिंग होगी मेरे भाई अगर मैं बेस में देखू एम की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी अंडरस्टैंड दिस डिस्टेंस आई एम कंसिडरिंग एच तो एफ टी मल्टीप्लाइड बाई एच एम विल बीक्वल्स टू एफ टी मल्टीप्लाइड बाई एच राइट y मैक्सिमम क्या होगा y मैक्सिमम क्या होगा तो so, y क्या होता है मेरे भाई y इज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस है ना ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस मान लो ये है सो दिस मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस इट विल बी वॉट टी बाय टू ओके टी बाय टू वाय मैक्सिमम विल बी टी बाय टू एंड आई अब आई क्या होगा मेरे भाई लेट्स से दिस विट इज बी दिस बी इज नोन एज फेस विट इस बी को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई फेस विट ओके सो लेट से बी इज द फेस विट तो मेरे भाई बी दिस क्रॉस सेक्शन क्रॉस सेक्शन इज दिस वन क्रॉस सेक्शन इज दिस वन तो बी इंटू टी क्यूब बाय ट्वेल्व राइट विट इज बी हाइट इज टी तो बी टी क्यूब बाय ट्वेल्व दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अब यहां से कैन आई राइट द इक्वेशन ऑफ एफ टी एफ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई ये हो जाएगा सिक्स ओके okay? और ये हो जाएगा टी स्क्वायर, सो दिस विल बिकम टी स्क्वायर बाय सिक्स एच टी स्क्वायर बाय सिक्स एच इन टू सिमा भी ओके नाउ आई वॉन्ट यू टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस इक्वेशन बाय एम अब इसको m से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे भाई कैन आई राइट इट एफ टी इक्वल टू एम से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे सो इट विल बिकम m इन टू टी स्क्वायर बाय सिक्स एच एम इन टू सिग्मा अब इस इक्वेशन में दिस वैल्यू टी स्क्वायेर बाय सिक्स एच एम ज अ वैल्यू विच डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द टीथ यह जो टी स्क्स एच एम है दिस वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द टीथ थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच अमित थैंक यू सो मच बेटा थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट तो यह टी स्क्स एच एम जो है यह वो ऐसी क्वांटिटी है जो टीथ के शेप और साइज पर डिपेंड करती है ओके दिस वैल्यू ज नोन एज लूइस फॉर्म फैक्टर सो सॉरी फॉर दिस दिस वैल्यू इज नोन एज लूइस फॉर्म फैक्टर यह जो वैल्यू है यह एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है जो डिपेंड करता है टीथ के शेप एंड साइज पे ओके एंड इट्स वैल्यू कैन बी कैलक्युलेटेड It val, its value can be calculated using the number of teeth and pressure angle. Its value can be calculated using the number of teeth and pressure angle. Okay. So, my brother, value is this Lewis form factor. It is given in the design data book. If you open the design data book, you will find a table of Lewis form factor like this. Okay. Lewis form factor depends upon two things: pressure angle and number of teeth. This is what this is number of teeth. So, you can see 15 number of teeth, 16 number of teeth, 18 number of teeth, 20 number of teeth, just like this. And this is for pressure angle 20 degree. सिमिलर टेबल लाइक दिस इज गिवन इन फॉर अल्फा इक्वल टू ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव डिग्री ऑल्सो ठीक है एक सिमिलर टेबल दिया हुआ है अल्फा इक्वल टू ट्वेंटी फाइव डिग्री के लिए भी ठीक है मेरे भाई वीडियो को थोड़ा पीछे करके एक बार देख लो बी मैंने क्या बोला है ठीक है ओके सॉरी 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 यहां पर बी मिसिंग है यस यस यस

वैल्यूज ऑफ लुइस फॉर्म फैक्टर लुक एट द रेंज ऑफ लुइस फॉर्म फैक्टर अरे हाँ यार बी दिखा देख लिया ना देख लिया बी कर दिया ना ठीक रुक जाओ जो पढ़ा रहा हूं वो नहीं समझने अभी बी मिस हो गया बी मिस हो गया बी मिस हो गया पहले समझा तो लेने दो यार लुइस फॉर्म फैक्टर क्या है पहले समझ लो उस पर ध्यान दे दो बाद में बी कर लेंगे ठीक कर लेंगे अजीब ही मतलब एक साथ सब, के सब ओके सब। okay, so beta from this table we can directly calculate this value t square by 6hm okay and in this equation everything depends upon the shape and size of teeth so beta it is very difficult to find out the values of thm separately that's why they have made a table for this okay that's why lewis made a table for this okay you can't calculate t, H, m, m separately so what he did is he con considered a particular shape of the teeth and he calculated t square by six Hm approximate value of t square by six Hm for different number of teeth and pressure angle and he gave us this table. So whenever you need the Lewis form factor, you directly refer this table. This table say mat directly Lewis form factor ki value nikal lunga So beta now I don't have to find t square by six Hm separately. I will directly find Lewis form factor. Okay. So beta if I write this equation in terms of Lewis form factor then it will become ft equals to m into b into y sigma b okay this is beam strength but beta yeah h is missing yeah h is missing hai. what is that one thing missing here i am assuming that this is a static load okay and we are also assuming that एफ एन इज मिसिंग सो वट एवर वैल्यू वी आर गेटिंग वट एवर वैल्यू वी आर गेटिंग इट इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू ओके तो मेरे भाई हम क्या करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द एक्चुअल वैल्यूज करेक्शन एज वेलोसिटी और फैक्टर ओके वेलोसिटी फैक्टर या डायनेमिक फैक्टर वो फैक्टर है विच इज यूज टू फाइंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एफ टी अब एक्चुअल वैल्यू ऑफ एफ टी जो है वो इस वैल्यू से कम होनी चाहिए वट एवर एक्चुअल वैल्यू ऑफ एफ टी इज इट शुड बी लेस देन दिस ओके अब यहां एक पंगा है मेरे भाई अब यहां पे एक पंगा है पंगा क्या है अंडरस्टैंड ओके okay? सबसे पहले तो आपको यह समझ लेना है एफ टी की एक्चुअल वैल्यू जो होगी इट शुड बी लेस देन वट एवर वैल्यू वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर ओके एफ टी की जो एक्चुअल वैल्यू है इट शुड बी लेस देन Whatever value of FT we are getting from the equation. Okay. Now understand. The value of FT is calculated using this factor. This factor is denoted by CV. Now, earlier when this was invented, when this equation was written, then CV used to be less than 1. So, in that case, we used to multiply the value of cv in the equation okay for example let's say cv is 0.36 or yeah, cv is 0.5 then beta we will multiply cv in the equation of ft okay but beta what happened is later on दे यूज अ डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ सीवी उन्होंने क्या किया बाद में सीवी की डेफिनेशन चेंज कर दी सो सी वी बिकेम ग्रेटर सीवी को ऐसा लिखना चालू कर दिया दैट सी वी बिकेम ग्रेटरबर द फॉर्मूला ऑफ सीवी ओके देर इज अ फॉर्मूला ऑफ सीवी बट यू डोंट नीड टू रिमेंबर दैट ओके ऑल यू नीड टू रिमेंबर इस पहले के जमाने में जो सीवी होता था वो एक से कम होता था तो अगर सीवी एक से कम है तो आप सीवी को एफ से मल्टीप्लाई कर दो अ डेज सीवी इज ग्रेटर देन वन तो अगर सीवी एक से ज्यादा है देन बेटा व्हाट यू विल डू देन बेटा व्हाट यू विल डू यू विल डिवाइड एफ ओके तो मेरे भाई एफ की जो भी इक्वेशन आ रही है एफ की जो भी इक्वेशन आ रही है उसमें एफ को मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो ठीक है तो बेटा ये क्या बन जाएगा वट विल बी दिस दिस विल बिकम सीवी इंटू एम बी वाय सिग्मा बी एंड दिस विल बिकम एम बी वाय सिग्मा बी डिवाइडेड बाय सीवी ठीक है तो मेरे भाई ये समझ में आया ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो रहा है वाई दिस कंफ्यूजन इज क्रिएटेड डू यू अंडरस्टैंड

यहां से कम होना चाहिए ठीक है एक्चुअल मतलब में कितना लोड उठाएगा यहाँ जो लोड उठाएगा हम वो निकाल रहे हैं बहुत सारे से, तो actual जो लोड उठाएगा वो इससे कम ही रहेगा तो एक्चुअल तो को कोई भी फैक्टर दिया हो मुझे बस ये देखना है कि एफ टी मेरा कम हो जाना चाहिए तो अगर एक से कम है तो उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे एक से ज्यादा है तो उस वैल्यू को डिवाइड करेंगे

गेट ट्वेंटी में पूरी की लुइस इक्वेशन दी हुई थी क्योंकि उनको पता था कि सीवी का बहुत बड़ा कंफ्यूजन है सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन दे गेव अस द इक्वेशन ओके तो मेरे भाई वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं मी टेल यू दैट क्वेश्चन क्वेश्चन फ्रॉम गेट ट्वेंटी ट्वेंटी यह गेट ट्वेंटी ट्वेंटी का क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने लुइस की इक्वेशन दे दी क्योंकि उनको पता था कि ये फैक्टर का बहुत बहुत कंफ्यूजन होता है तो इसीलिए उन्होंने सीधे इक्वेशन उठा के दे दी ओके सो बेटा अंडरस्टैंड दे हैव गिवन अस एवरीथिंग अ स्टील्स पर पिनियन हैज अ मॉड्यूल ऑफ 1.25 एमएम ओके मॉड्यूल इज गिवन 20 टीथ ओके दिस इज मॉड्यूल एम 20 टीथ मतलब दिस इज नंबर ऑफ टीथ ओके एंड प्रेशर टू ट्वेंटी डिग्री डायनेमिक फैक्टर ऑफ वन पॉइंट टू सिक्स अब देख लो बेटा ये वेलोसिटी फैक्टर है और ये एक से ज्यादा दिया हुआ है गेट में हमेशा एक से ज्यादा दिया रहेगा गेट में हमेशा एक से ज्यादा दिया रहेगा ठीक है गेट में हमेशा एक से ज्यादा दिया रहेगा ठीक है तो मेरे भाई गेट एक से ज्यादा अगर दिया है तो क्या करना है डिवाइड करना है ठीक है सो so, बेटा द बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ टूथ कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द लुईस फॉर्मुला गिवन बिलो इफ द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस एक्सपीरियंस बायिनियन इज फोर हंड्रेड मेगा पासकल पावर ट्रांसमिटेड इज तो आपको पावर ट्रांसफर निकालना है मेरे भाई इन ऑर्डर टू फाइंड पावर ट्रांसफर यू विल हैव टू कैलकुलेट द टॉर्क एंड इन ऑर्डर टू फाइंड टॉर्क यू हैव टू कैलकुलेट एफ टी तो so, एफटी निकाल लेते हैं मेरे भाई पहले एफ टी निकाल लेते हैं तो so, इनकी जो इक्वेशन है वो थोड़े अलग टर्म्स में दी हुई है तो so, इसीलिए मैं अपनी इक्वेशन लिखूंगा ओके एम बी वाई हैव गिवन लुईस फॉर्म फैक्टर सॉरी दिस फैक्टर ग्रेटर देन वन तो आई विल डिवाइड इट ठीक है तो so, अब मेरे भाई इस इक्वेशन में व्हाट इज द मॉड्यूल मॉड्यूल इज 1.25 What is the face width? Face width is 50. What is Lewis form factor? Lewis form factor is 0 0.322. What is the bending stress? 400 mega divided by. What is the velocity factor? Velocity factor is 1.26. So, from here you will get the value of Ft. From here you will get the value of Ft. मॉर्निंग में नहीं आया था एमी .E. में ठीक है मेरे भाई गलती हो गई मेरे को बता देना चाहिए था मॉर्निंग में आया था कि दोपहर को आया था कि रात को आया था सिक्स थ्री एट एट पॉइंट एट एट न्यूटन सिक्स थ्री एट एट पॉइंट एट एट न्यूटन

अब यहां पे देखो सिक्सटी टीथ गियर का दिया है अपने को पिनियन पिनियन का एक सेकेंड या पिनियन का आरपीएम दिया है ओके अपने को पिनियन का आरपीएम दिया है तो हमको पिनियन का ही कैलकुलेट करना है ओके तो पिनियन के लिए पिच सर्कल डायमीटर कितना होगा व्हाट विल बी द पिच सर्कल डायमीटर ऑफ पिनियन डी विल बी इक्वस टू एम इंटू टी तो मॉड्यूल कितना था वन पॉइंट टू फाइव टीथ ट्वेंटी वट विटर ऑफ ऑपिनियन टू फाइव इंटू ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव एम एम तो बेटा ओपिनियन का नंबर ऑफ टीथ यूज करना बिकॉज दे हैव गि द आरपीएम ऑपिनियन सो यू कैन कैलकुलेट पावर ऑफ अपिनियन ओनली ओके मेरे भाई पावर विल बी सेम फॉर गियर एंड पिनियन बट बेटा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द पावर फ्रॉम द आरपीएम ऑफ पिनियन यू नीड टू पुट द टॉर्क ऑफ पिनियन है ना तो मेरे भाई डायमीटर ऑफ पिनियन आ गया 25 फाइव तो एम टी पिनियन विल बी इक्वल टू वॉट एम टी विल बी इक्वल टू एफ टी इन टू डी बाई टू ये हो जाएगा सिक्स थ्री एट एट पॉइंट एट एट

तो पावर विल बी इक्वल टू टू पाई एन इंटू एम टी बाई सिक्सटी आई एम यूजिंग एम टी फॉर टॉर्क तो मेरे भाई ये हो जाएगा टू पाई इन टू थाउजेंड इन टू सेवेंटी नाइन पॉइंट एट सिक्स ट्वेल्व हंड्रेड है आरपीएम तो अब यहां से पावर बता दो कितना आ रहा है वट इज द पावर वॉट इज द पावर वन जीरो जीरो थ्री फाइव पॉइंट फाइव वॉट वन जीरो जीरो थ्री फाइव पॉइंट फाइव वॉट और या फिर किलोवाट में लिख सकता हूं टेन पॉइंट जीरो थ्री फाइव किलो वॉट 10.035 किलोवाट, कैन आई राइट इट 10.035 किलोवाट, 10.035. यस, वेरी गुड उत्कर्ष वेरी गुड आयुष वेरी गुड नीतीश वेरी गुड सत्यम वेरी गुड 10.035 किलोवाट, 10.035 किलोवाट. तो क्लियर है बेटा क्वेश्चन क्लियर है व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू माइट गेट बेटा यू कैन सी दैट दे है इक्वेशन ऑफ लुइस फॉर्म फैक्ट यू देव इवन गिवन द इक्वेशन ऑफ लुइस बिकॉज बेटा दे न्यू दैट देर विल बी अलॉट ऑफ कन्फ्यूजन बिहाइंड केवी एंड दिस कंफ्यूजन इज क्रिएटेड बाय द बुक्स टेक्सट बुक्स स्पेशली इंडियन ऑथर्स बिकॉज वो लोग एक दूसरे का छापते हैं बस समझते तो है नहीं यस yes, 10.035 किलोवाट वेरी गुड वेरी गुड जितेंद्र तो मेरे भाई अब 10.035 किलोवाट तो निकाल लिया गेट 2020 का क्वेश्चन बन गया नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन में दिस इज अनदर क्वेश्चन अस्पर गियर अस्पर गियर है ये गेट लिखा गया है गलती से माफ कर देना टाइपिस्ट को जो कि मैं ही हूं अस्पर गियर हैज अ मॉड्यूल ऑफ थ्री एम नंबर ऑफ टीथ सिक्सटीन अ फेस विथ ऑफ थर्टी सिक्स एंड अ प्रेशर एंगल ऑफ ट्वेंटी डिग्री

नंबर ऑफ टीथ एंड फेस विड्थ एम और बी दिया हुआ है ओके okay. सीवी की वैल्यू भी दी हुई है वाई भी दिया हुआ है बट बेटा बेंडिंग स्ट्रेस यहां पे अपने को निकालना है तो अपने को FT भी चाहिए एंड इन ऑर्डर टू फाइंड एफटी दे हैव गिवन अस पावर एंड आरपीएम सो फर्स्ट आई विल फाइंड एमटी 3 किलोवाट इक्वल्स टू 2 पाई 20 एमटी दिस इज गिवन इन रेवोल्यूशन पर सेकंड पर मिनट देता तो डिवाइडेड बाय 60 करते पर सेकेंड दिया है तो सिक्सटी से डिवाइड नहीं करेंगे पर सेकेंड दिया है तो सिक्सटी से डिवाइड नहीं करेंगे ट्वेंटी थ्री पॉइंट एट सेवन न्यूटन मीटर और मेरे भाई सर्कल डायामीटर पिच सर्कल डायामी तो डी विल बी इक्वल टू मॉड्यूल थ्री एम एम नंबर ऑफ टीथ सिक्सटी फोर्टी एट एम एम तो यहां से कैन आई कैलकुलेट एफ टी तो एफ टी विल्वल टू वॉट टू एम टी बाई डी मतलब कि टू इन टू ट्वेंटी थ्री पॉइंट एट सेवन डिवाइडेड बाय फोर्टी एट पॉइंट जीरो फोर एट ओके बिकॉज दिस इज रिटर्न इन न्यूटन मीटर सो आई विल पुट द डायमीटर ऑल्सो इन मीटर क्या तो अब मेरे भाई टी की वैल्यू आ गई सो ना आई कैन फाइंड आउट सिग्मा भी एफ टी विल बीव एम बी वाई सिग्मा भी डिवाइडेड बाई सी वी बिकॉज सीवी इज ग्रेटर देन वन तो बेटा आपको यहाँ पे लिख देना है डिवाइडेड बाई सी वी तो यहां से सिग्मा बी विल बी इक्वल टू सीवी इंटू एफ टी डिवाइडेड बाय एम बी वाई तो सीवी so दिया है 1.5 एफ टी की वैल्यू आ गई 994.58 डिवाइडेड बाय मॉड्यूल हो गया थ्री बी इज बी इज 36 एंड वाई इज पॉइंट थ्री सो फ्रॉम यू विल गेट द Stress, अब यहां से आ जाएगा मेरे भाई सो वन पॉइंट फाइव इंटू नाइन नाइन पॉइंटेड बाई थ्री इंटू थर्टी फोर्टी सिक्स पॉइंट जीरो फोर मेगा पासकर आर यू गेटिंग दिस फोर्टी सिक्स पॉइंट जीरो फोर मेगा आंसर

ट्वेंटी डिग्री फुल डेल्यूड पर एंड सीवी इज वन पॉइंट फाइव यहां पर देखो अलाइड फैक्टर इंटेंसिफाइंग द स्ट्रेस मतलब ये सीवी दिया है ओके दिस इज सी वी ओनली ये सीवी दिया है मेरे भाई ये जो दिया हुआ है दिस इज सी वी ओनली ओके द अलावेबल स्ट्रेस इन द गियर मटीरियल इज टू हंड्रेड मेगा पास बीम स्ट्रेंथ यहां पे सीधे सीधे इक्वेशन लगा देनी है मेरे भाई टू वाई सिग्मा बी और CV एक से ज्यादा है मतलब डिवाइडेड बाय सी वी ओके इक्वल टू वेरी गुड वेरी गुड सत्यम दिव्यांशु वेरी गुड कल्पेश वेरी गुड अंकिता बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो ये वाला बना लो तो मॉड्यूल इज फोर एम एम फेस वेट इज ट्वेंटी फाइव लुइज फॉर्म फैक्टर इज पॉइंट थ्री टू बेंडिंग स्ट्रेस इज टू हंड्रेड एंड सी वी इज वन पॉइंट फाइव सो फ्रॉम हियर यूल डायरेक्टली गेट द वैल्यू ऑफ एफ टी आपको सीधे यहाँ से एफ टी मिल जाना है मेरे भाई फोर इंटू ट्वेंटीड बाई वन पॉइंट फाइव सो इट विल बी बापरे फोर टू सिक्स सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन न्यूटन फोर टू सिक्स सेवन न्यूटन और किलो न्यूटन में क्या हो जाएगा फोर पॉइंट टू सिक्स किलो न्यूटन फोर पॉइंट टू सिक्स किलो न्यूटन यस फोर पॉइंट टू सिक्स किलो न्यूटन वेरी गुड उत्कर्ष हेलो एश कैट मैं उसको पता नहीं भाई मैं तो ब्रमंस भी नहीं कर पा रहा हूँ बट हेलो वॉट वेरी गुड सत्यम वेरी गुड कल्पेश वेरी गुड आयुष वेरी गुड वेरी गुड किलो न्यूटन वेरी गुड अंकिता वेरी गुड नुतीश वेरी गुड दिव्यांशु ब्यांशू फोर पॉइंट टू सिक्स किलो न्यूटन फोर पॉइंट टू सिक्स किलो न्यूटन यस yes, मेरे भाई फोर पॉइंट टू सिक्स किलो न्यूटन वेरी गुड विकास वेरी गुड वेरी गुड तो बेटा सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे बस एक इक्वेशन याद रखनी है और ये याद रखना है टेक्स्ट बुक एंड सीवी लेस देन वन अगर किसी टेक्स्ट बुक को खोला और सीवी लेस देन वन दिया है तो वहां पे मेरे भाई समझ जाना कि ये गड़बड़ है यहां पे सीवी आपको फिर मल्टीप्लाई करना है, या फिर सीवी को पलट दो वन डिवाइडेड बाय कर दो ठीक है यस वेरी गुड सो बेटा गियर में यू ओनली नीड टू रिमेंबर दिस इक्वेशन बेटा ओके यू नीड टू रिमेंबर दिस इक्वेशन दैट्स इट अदर थिंग्स यू नीड टू कैलकुलेट आर वेरी इजी है कि नहीं सो बेटा विद दिस द गियर चैप्टर एंड्स अब गियर चैप्टर एंड्स टुमारो विल बी द लास्ट डे लास्ट क्लास ऑफ एम डी ऑन टुमोरो हम क्या पढ़ने वाले मेरे भाई डिजाइन ऑफ स्प्रिंग्स ठीक है कल हम क्या पढ़ने वाले हैं डिजाइन ऑफ स्प्रिंग्स पढ़ने वाले हैं एंड आफ्टर दैट मशीन डिजाइन विल बी ओवर सो थर्टीएथ ऑफ डिसंबर मशीन डिजाइन विल बी ओवर एंड ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ डिसम्बर ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ डिसम्बर वी विल हैव एट आर मैराथन क्लास ऑन कंप्लीट रिविजन ऑफ मशीन डिजाइन

दोनों को इससे फायदा होगा क्यों बेटा बिकॉज बेटा इवन इफ यू आर नॉट कंप्लीटेड मशीन मशीन डिजाइन यू टू कंप्लीट इट क्विकली सो विल बी अ क्विक डिजाइन सेशन फॉर यू सो बेटा आठ घंटे में मैं सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगा आपको ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे बस वो एक आध क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा उसके लिए डिटेल कोर्स पढ़ना है सो इट विल बी बी फॉर यू यू इट विल अप टू बेटा कि अगर आप डिटेल कोर्स पढ़ने का आपके पास टाइम है तो वहां से पढ़ लो अदरवाइज क्विक एक ओवरव्यू चाहिए मशीन डिजाइन का फटाफट आठ घंटे में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ठीक है आठ घंटे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ओके तो बेटा कंप्लीट रिविजन ऑफ मशीन डिजाइन बेटा दिसंबर से नई बैचेस चालू हो चुकी हैं गेट 2022 और गेट 2023 के लिए तो बेटा क्विकली ज्वाइन दीज बैचेस ऑन ऑनैडमी प्लस वॉट यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू ज्वाइन दीज बैचेस यू नीड टू टेक टेकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन और अन अकेडमी आइकोनिक सब्सक्रिप्शन आई डमी प्लस और आइकॉनिक में ऐसा क्या है तो मेरे भाई अन अकेडमी प्लस और आइकॉनिक में वो सब कुछ है जो आपकी रैंक लाने में आपकी हेल्प करने वाले हैं बिना इसके रैंक नहीं आ सकती क्या सर बिल्कुल आ सकती है आप खुद से पढ़ो खुद से मेहनत करो उसके लिए मैंने आपको ये बताई दिया है टाइनि डॉट कॉम स्लैश अप्रूव टेन यहाँ सब कुछ कंटेंट रखा है आप खुद से पढ़ के निकाल सकते हो लेकिन अगर आपको वो एक हेल्प चाहिए गाइडेंस चाहिए जो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि बिना एग्जैक्ट गाइडेंस के आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है क्या पढ़ना है कहां से पढ़ना है कितना पढ़ना है डाउट क्लियरिंग कैसे करें तो इन सब चीजों के लिए बेटा यू हैव अन अकेडमी प्लस एंड अन अकेडमी आइकॉनिक अन अकेडमी प्लस पे आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए बहुत जरूरी है यू विल गेट लाइव क्लास इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी यू विल गेट डाउट क्लियरिंग सेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट यू विल गेट वीकली टेस्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके और बेटा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज वन स्टेप अहेड ऑफ एन अकेडमी प्लस विल गिव दैट पर्सनल पुश यू नीड पर्सनल लेवल पे कोई अगर आपके पीछे पड़ा हो कि बेटा ये पढ़ना है आज आपको आज आपको इतना कवर करना है आपने किया कि नहीं किया कहां तक आप पहुंचे हो अगर आप टेस्ट दे रहे हो और अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो कोई आपके पीछे पड़ा हो कि कहा गलती हो रही है उसको सुधारो अगर आपको पूरा कोई स्टडी मटेरियल प्रिपेयर करके दे रहा है कि बेटा यहां से ये पढ़ो यहां से ये पढ़ो देन बेटा यू कैन इमेजिन हाउ मच हेल्प दैट विल बी एंड हाउ मच दैट विल हेल्प यू टू गेट द गुड रैंक ओके सो अन अकेडमी आईकॉनिक विल गिव यू दैट पर्सनल पुश ओके सो बेटा वॉट विल बी स्पेशल अबाउट अबाउटमी प्लस एंड अन अकेडमी आईकॉनिक तो बेटा यू गेट अ लॉट ऑफ फीचर्स ऑन एन अकेडमी प्लेटफॉर्म विच विल हेल्प यू टू गेट दैट गुड रैंक बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी बेटर बनाने में बेटर स्कोर करने में ओके फॉर एग्जाम्पल फॉर यू जहां आपको ए बी सी डी चूज करना रहता है और आपका पूरा स्कोर बोर्ड क्लास में जो क्वेश्चन हम करते हैं वो क्विज कॉम्पिटिशन की तरह होते हैं तो स्कोर बोर्ड से आपको रैंक मिलेगी आपको टाइमिंग पता चलेगी तो यहां से एक तो आपकी लर्निंग जो है वो काफी फन भी हो जाएगी और साथ में आपको यह भी पता चलेगा कि आप कितना टाइम लगा रहे हो बाकी बच्चों की अपेक्षा में आपकी रैंक कहां पे है आप कहा तो जा रहे तो बेटा ये सब चीजें आपको यहाँ क्लास हर क्लास में देखने को मिलेंगी फिर बेटा लाइव क्लास का जो माहौल है वो ऐसा रहता है जैसे आप टीचर के सामने बैठे हो द क्लासेज आर सो इंटरेक्टिव दैट यू विल फील लाइक यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टीचर यू आर टॉकिंग टू टीचर वन ऑन वन ओके एंड बेटा यू कैन आस्क एनी डाउट टू लेके सीधे टीचर को क्लास में भेज सकते होकेशन मीन एवरी फोर्थ लेक्चर विल बी will not have a complaint that you are not getting enough time to ask doubts आपको doubt पूछने के लिए time नहीं मिल रहा ऐसा होगा ही नहीं fact बेटा last class के time में मतलब जैसे 2021 के बच्चों के लिए December में डाउट क्लियरिंग बैचेस भी बनी थी जिस बैच का सिर्फ एक ही मकसद था डाउट सॉल्व करना सारे टीचर उसमें डाउट सॉल्व कर रहे थे ओके एंड बेटा बेस्ट थिंग आपको मल्टीपल बैचेस मिलेंगी यानी इतनी सारी बैचेस हैं आप देख सकते हैं टॉप एजुकेटर्स की बैचेस को तो आपको 2021 की बैच मिलेगी 22 की बैच मिलेगी 23 की बैच मिलेगी रैंक इंप्रूवमेंट बैच मिलेगी ई की बैच मिलेगी पीएसयूज की बैच मिलेगी और आपको जिस बैच में पढ़ना है आप उस बैच में पढ़ सकते हो ट यू कैन ज्वाइन मल्टीपल बैचेस आप एक से ज्यादा बैच भी ज्वाइन कर सकते हो दर इज नो लिमिट इन द बैच यू कैन ज्वाइन ओके सो बेटा ऑल दिस बेनिफिट विल बी देयर ऑन एनअमी प्लस एंड अनिकल यू नीड इज दब्सक्रिप्शन वन मंथ से लेकर टू ईयर तक के सब्सक्रिप्शन है बट आई विल सजेस्ट दैट यू टेक वन ईयर वन एंड अफ ईयर टू ईयर सब्सक्रिप्शन बिकॉज पर मंथ कॉस्ट ऑफ टू ईरिप्शन और वन ईयर सब्सक्रिप्शन विल बी वेरी लेस एंड यू कैन ऑल्सो यूज दिस रेफरल कोड अप्रूव टेन इनऑर्डर टू गेट टेन परसेंट ऑफ सो यू कैन सी दैट यूर सब्सक्रिप्शन प्लानिकली चेंज एंड बेटा यू विल ऑल्सो गेट माई पर्सनल अटेंशन वेन एवर यू विल यूज दिस कोड आई विल गेट द नोटिफिकेशन एंड आई विल फील लाइक यू हैव शोन यूर फेथ इन मी मुझे लगेगा कि आप मुझ पर अपना भरोसा दिखाकर जुड़ रहे हो और अगर आप मुझ पर भरोसा दिखाकर जुड़ोगे अन अकेडमी से तो मेरे भाई मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा मैं पर्सनल लेवल पे जाके जितनी मेहनत कर सकता हूं आपके पीछे करूंगा जितना आपको मैं हेल्प कर सकता हूं उतना करूंगा तो मेरी गारंटी पे यू कैन टेक द एडमिशन एंड आई कैन गारंटी यू विल नेवर रिग्रेट इट आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा और मेरे भाई आप यहां पे अगर देखोगे वन ईयर की टू ईयर की वन एंड हाफ ईयर की फी पर डे आपको कितना पड़ रहा है सो इट इज लाइक सेवेंटी फोर पर डे वन ईयर फी टू वन एंड हाफ ईयर इज लाइक सिक्सटी फोर पर डे एंड दिस इज लाइक फिफ्टी फोर पर डे तो मेरे भाई आप देख सकते हो पचास रुपए लगभग पचास रुपए दिन के जो कि आप ऐसे ही उड़ा देते हो फालतू की चीजों में अगर आप उसको सेव कर सको और आप इन्वेस्ट कर सको अपने एजुकेशन में देन बेटा यू कैन इमेजिन वट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दीज फैकल्टीज ये वो फैकल्टीज है बेटा जिनके पढ़ाए हुए नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं ये ऐसी फैकल्टीज हैं जिनसे पढ़ने के लिए बच्चों लाख बच्चे लाखों फीस देते हैं बट अब ये फैकल्टीज एक जगह पे एक साथ आ रहे हैं ताकि आप बच्चों को अलग अलग एजुकेशन अलग अलग जगह जाके पढ़ने की जरूरत ना पड़े और आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे क्वालिटी एजुकेशन मिल सके दिस रेवोल्यूशन इन एजुकेशन इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू अन अकेडमी फॉर दैट बिकॉज वी आर नाउ एबल टू प्रोवाइड यू विद द क्वालिटी एजुकेशन एट सच प्राइस सो बेटा टेक द अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन राइट नाउ एंड आई कैन गारंटी यू यू विल नॉट रिग्रेट इट ओके यू कैन ऑल्सो टेक अनडमी आईकोनिक सब्सक्रिप्शन फॉर वन ईयर और टू ईयर बेटा ओके वेर यू विल गेट अ पर्सनल कोच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वॉट पर्सनल कोच मीन ओके तो अगर आपको और पर्सनल लेवल पे हेल्प चाहिए तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो ओके सो आई विल सी यू सून ऑन होकेडमी प्लस बेटा बट बिफोर दैट प्लीज हिट द लाइक बटन शेयर द लिंक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आई विल सी यू गैस देन बाय बाय टेक केयर गुड नाइट